फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यहां पर मैंने फाइनली अपने डिवाइस में मैक्स प्रो M2 में फिर से एंड्रॉइड 10 बेटा 2 अपडेट कर लिया है, ताकि दोस्तों आप लोगों के लिए जीके वगैरह की कोई नई वीडियो मैं लाता रहूं। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए जीके के बारे में ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मैं पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें जीके वर्जन 5 के बारे में बताया, जो कि पैरट वर्जन का था, 7.3 का जीके, तो इसमें उसके दो लेटेस्ट नए अपडेट आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं उसका जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वही जीकेएम के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें नया खास देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, मैंने इस कैमरे को चेक किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। पिछला जो जीकेएम अपडेटेड था, वर्जन था 7.3 का, उसमें जैसा था उससे भी मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जीकेएम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बेटा 1 में प्रॉब्लम आ रही थी, एंड्रॉयड 10 बेटा 1 में कई सारे जीकेएम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि फ़ोटो सेव नहीं हो रही थी, फ़ोटो स्टक हो रही थी, वहीं पर जीकेएम हैंग हो रहा था, जिसकी वजह से फ़ोन भी रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम दोस्तों अभी भी है बेटा 2 में। जी हाँ दोस्तों, कैमरा 2 API इनेबल होने के बाद भी अभी भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीकेएम 6.2 तो अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने ट्राई किया था डाउनलोड करके, यहाँ पर अगर फ़ोटो वगैरह आप निकालोगे तो वो फ़ोटो अभी भी वहीं रुक जाता, मतलब सेव ही नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम अभी भी है दोस्तों यहाँ पर। आपको तो पता ही, जीकेएम के कई सारे वर्जन आ गए, 7.1, 7.2 और 3, लेकिन जो बात दोस्तों जीकेएम 6.2 में है ना, वैसी बात किसी जीकेएम में नहीं है। उसकी क्लैरिटी मतलब अलग ही लेवल की थी दोस्तों। उसको कोई कंपेट करने के लिए ऐसा कोई जीकेएम फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से तो अभी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि जीकेएम 6.2 का कौन सा वर्जन सपोर्ट करेगा इस डिवाइस में फिलहाल के लिए। बाकी एंड्रॉयड 10 स्टेबल अपडेट जब आएगा दोस्तों, तो वहाँ पर शायद सपोर्ट करे अच्छे से, शायद सारी चीज़ें वहाँ पर परफेक्ट तरीके से रन करे, तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीकेएम 7.4 का भी लेटेस्ट अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीकेएम 7.4 भी अभी अभी मार्केट में आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने उसको डाउनलोड तो किया था, लेकिन फिलहाल के लिए मैक्स प्रो M2 में सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंस्टॉल हो जाता लेकिन क्लोज हो जाता है आपका जीकेएम तुरंत, मतलब ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही अगर उसका कोई अच्छा पोर्ट निकल के आएगा मैक्स प्रो M1 और M2 के लिए, मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फटाफट से मैं इस जीकेएम के बारे में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन जो भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या नया इसमें ऐड किया गया, नया काफ़ी कुछ ऐड किया गया है इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसमें वर्जन की बात बता दूँ, जैसे कि इसका वर्जन है और साथ ही क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलता है, तो अबाउट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर पैरट 43 वही जो वर्जन है, 7.3 है, वर्जन 7 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें वर्जन 5 था, ये 7 है, 6 भी आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए लेटेस्ट अपडेटेड ही आपको बताया। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेटिंग में अगर आप जाओगे तो वही सारी चीज़ें मिलेगी, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वीडियो, 4K रिकॉर्डिंग है, वीडियो स्टेबलाइजेशन है, और एडवांस सेटिंग में वही आपको लिप कैप्चर वगैरह, जो सेटिंग बिल्कुल बिल्कुल वही सेटिंग देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर फ़र्क क्या किया गया। यहाँ पर अगर दोस्तों आप ये जो ऊपर से टॉगल सरक के आता है जो नोटिफिकेशन जैसा, तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये साबरे ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर ऐड किया गया डायरेक्ट। यहाँ पर आप मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हो, फोटो क्लियरिटी से कुछ फर्क पड़ जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स ये भी यहाँ पर ऐड किया गया है, ऑटो है या फिर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यहाँ पर दो तीन ऑप्शन दिए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोस्तों यहाँ ऐड की गई है। ये तो थी कैमरा में, अगर पोर्ट्रेट में अगर हम जाएंगे तो पोर्ट्रेट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, वही है दोस्तों अपना फेस रिटचिंग है, बाकी ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, वो सेबरे का, और नंबर ऑफ फ्रेम्स है, टाइमर है, बाकी वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाइट मोड में अगर आप जाओगे तो इसमें काफ़ी कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा है। तो अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डायरेक्ट ऊपर मिल जाता है, ऑन का है, ऑफ का है, साथ ही ऑटोमेटिक करने के लिए है। तो यहाँ पर वही बाकी सारी चीज़ें, ऑटो वाइट बैलेंस है, सफरे है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है, एक्सपोजर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप उसको ना टाइम मतलब बढ़ा सकते हो, जब आप फोटो एस्ट्रोग्राफी करोगे तो यहाँ पर आप उसका एक्सपोजर का टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, कितनी देर तक का खींचना चाहिए, निकलना चाहिए फोटो, यहाँ पर फोकस वगैरह है, वही सारी चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ऐड की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका वीडियो क्वालिटी कैसा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वीडियो मुझे खास नहीं लग रहा है कुछ इतना इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ खास नहीं लग रहा। आपको भले ही इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है 24 FPS, 30, 60 FPS,
दोस्तों जीकेएम में मतलब वीडियो 6.2 में जो वीडियो क्वालिटी आती थी उस तरह की क्वालिटी हमें इस 7.3 में तो नहीं देखने के लिए मिलती है। बाकी आप लोग अपने डिवाइस में चेक करके देखना यार किस तरीके से क्या देखने के मिलता है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ स्लो मोशन अभी भी वैसा ही है, थोड़ा रुक रुक के काम कर रहा है, मतलब अच्छा ठीक नहीं है यार, मतलब क्या करें अभी सपोर्ट नहीं कर रहा एक तो पहली बात, दूसरी बात है जीकेएम में हमें मिल तो जाता है स्लो मोशन। पोर्ट्रेट मोड दोस्तों यहाँ पर मैंने खींचा है, काफी अच्छा लगा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है, अच्छा खासा ब्लर इफेक्ट भी पीछे का आ रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एज डिटेक्शन काफी अच्छी है, जैसे कि दोस्तों पिछला जो अपडेट था वर्जन 5 वो काफी अच्छा था और वहां पर भी काफी अच्छी चीजें देखने के लिए मिली थी फोटो की क्लैरिटी वगैरह में, तो यहाँ पर भी काफी अच्छी देखने के लिए मिली है। यहाँ पर दोस्तों मैंने फोटो जब जीकेएम इंस्टॉल करके फोटो खींची थी तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सेचुरेशन ज्यादा नजर आया था, तो मैंने सिंपली जाके उसको क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, एडवांस में जाकर यहाँ पर लिप पैचर में मैंने इसको ऑन किया था, अभी तो मैंने फिलहाल बंद कर दिया था। सेचुरेशन मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कम कर दी थी 625, तो एडजस्ट हो गया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है, जिस तरीके से आपको सेचुरेशन और शार्पनेस वगैरह चाहिए तो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज है, बाकी यहाँ पर अगर आप मैक्स ऑटो एक्सपोजर है वो तो डायरेक्ट ऑप्शन भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता था, यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस है, यहाँ पर दोस्तों पिक्सल 4 XL है जो कि मेरे ख्याल से परफेक्ट काम नहीं करता शायद तक, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब मैं इसको बहुत जल्द पिक्सल 3 XL या 3A XL पे ही ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी और चीजें कुछ खास नहीं है, छोटी मोटी चीजें यहाँ पर ऐड की गई थी इस अपडेट के बाद, और क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पर बुरी नहीं है, काफी अच्छी है, डू नॉट डिस्टर्ब इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या बताऊँ दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों ओवरऑल ये अपडेट काफी अच्छा है दोस्तों, इस जीकेएम का काफी अच्छा है, इंस्टॉलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो क्लिक करोगे आराम से निकल जाती है, हैंग वैंग कुछ नहीं हो रहा है, फोटो वगैरह परफेक्ट तरीके से सेव भी हो रही है, मैंने SD SDR में सब कुछ तरीके से फोटो खींची है। दोस्तों आप बताओ वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे अगर आप नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी नई कोई जीके मैं लाता रहूंगा, साथ ही दोस्तों उसकी वीडियो मैं आपको जरूर बना के देता रहूंगा Max Pro M1 और M2 के लिए। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री में तो कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप मेरे हर वीडियो में सपोर्ट करते हो इतना तो काफ़ी खुशी मिलती है दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को भी सपोर्ट कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय।